खबर पाडुना से। सराफा एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पाडुना आज दोपहर 12 बजे पाडुना सराफा एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम SDN RR पांडे को ज्ञापन सौंपा और अपनी परेशानियों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि यहां शास्त्रीबाग में नामी चोर रहते हैं, उनका काम चोरी करना है, वे माल चोरी करते हैं और अन्यत्र बेच देते हैं और बाहर की ओर महाराष्ट्र की पुलिस के पकड़ने पाडुना के दुकानदारों को जानबूझ के फंसा देते हैं, जबकि ये शातिर चोर है, सभी को ज्ञात हो और इसके किसी भी प्रकार का लेन देन कोई दुकानदार नहीं करता। ऐसी स्थिति में पुलिस भी चोरों की बात को सच मानते हुए दुकानदार पर ही दबाव बनाकर जबरन वसूली करने ले जाते हैं। ऐसे में ना दिया हो तो भी बदनामी के डर से दुकानदार को लेना पड़ता है। इन चोरों से व्यवहार ना करने की स्थिति में गलत मामले में फंसाने की दुकानदार को धमकी भी देते हैं। इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई गई है। हमने शासन से मांग की कि हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए और हम पर आए दिन अत्याचारों से हमें बचाया जाए, अन्यथा हम लोगों को व्यापार छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा और साथ ही इन परिस्थितियों परेशानियों का स्थायी हल निकाल। किस चीज़ का ज्ञापन है सर? हम आज सभी सराफा व्यापारी सराफा एसोसिएशन के तरफ से SDM महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं मुख्यमंत्री के लिए कि पिछले विगत 8-10 दिनों से हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के ग्रामीण से पुलिस आती है और हमारे यहाँ के सराफा व्यापारियों को जबरन अवैध जब्ती बना के सोने की वसूली करके लेके जाती है। वो हमें धमकी देते हैं कि इस चोर ने आपके यहाँ पे सोना बेचा है और उस तरीके का झूठा केस बना के हमको कारावास की या केस की बनाने की या हमको यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाने की जबरन धमकी देके हमसे जबरन वसूली करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। पिछले हफ्ते में हमारे एक व्यापारी के दुकान पे कबाड़ी के एक महिला पुरुष दुकान में आए। उन्होंने ये कहा कि आप हमसे गिरवी रखिए, आप हमारे से माल सोना खरीदिए। जब हमने उस चीज़ के लिए मना कर दिया तो उन्होंने हमको खुलेआम धमकी दी है कि देख लीजिएगा, मैं आपको 2-4 दिन में महाराष्ट्र की पुलिस के हाथ से फंसवा दूंगा और आपको जबरन वहाँ से महाराष्ट्र की पुलिस को वसूली देने के लिए लगाऊंगा। उस चीज़ के लिए हमने हमारे पांडुना के थाना प्रभारी जी को एक आवेदन भी दिया है कि हमारे से इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उसका CCTV फुटेज भी हमने थाना प्रभारी जी को दिखाया है कि हमारे साथ में इस तरीके की घटना हो रही है। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान से निवेदन करते हैं कि आप अपनी कानूनी प्रक्रिया से, आप अपनी कानूनी कार्यकारिणी की मदद से हमारी मदद कीजिए और हमको इन मुसीबतों से मुक्त कराने के लिए हमारे साथ में रहिए। ये हमने ज्ञापन दिया है अभी SDM महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी को, कलेक्टर महोदया को, DIG छिंदवाड़ा को, SP महोदय छिंदवाड़ा को और गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। हम इन सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके पांडुना के सराफा व्यापारियों की मदद कीजिए। अन्यथा हमारे पास में हमारे व्यवसाय को बंद करके इस नगर को छोड़कर कहीं और जाके बसने के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। हम बड़ी आशा के साथ में आपको ये ज्ञापन देते हुए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करके हमें हमारे व्यापार को करने में आप पूरी तरीके से हमारी मदद करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए पाडुना से प्रशांत माहौरकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।